हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन अर्थमेटिक मीन पूरा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आई कार्ड पर लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि इकोनॉमिक्स की और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन वेटेड अर्थमेटिक मीन होता क्या है उससे। अपन देखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका रिलेशन मीन के साथ कैसे कैसे होता है, वो अपन आज पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखो, व्हेन एवरी आइटम इन अ सीरीज इज असाइंड सम वेट्स। अगर जैसे कोई भी सीरीज है, जैसे मान लो अपने पास एक्स सीरीज है, उसके पास अपने कुछ नंबर है, अगर उस नंबर्स को अगर वेट दिया हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे अपन वीट खरीद रहे हैं, ठीक है, शुगर खरीद रहे हैं, चिली खरीदी और फिर धनिया खरीदा, ये सारी चीज़ें अपन ने खरीदी। अब इनको अपन किस में खरीदते हैं, वेट में खरीदते हैं। तो उनके आगे अगर वेट लिखे हुए हैं, जैसे एक्स क्या है, एक्स मान लो वीट है, वीट कितने रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, मैंने 20 लिख दिया। अब अपने कितने वेट में खरीदी उसको, कि मतलब 1 किलो खरीदी, 2 किलो खरीदी, 5 किलो खरीदी, वो सब उसके क्या हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो यही होती है ऐसे वेटेड अर्थमेटिक मीन अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंस। ये मैं आपको वेट वास्तव में वेट से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, जो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। द एवरेज ऑफ सच सीरीज इज कॉल्ड वेटेड अर्थमेटिक मीन। उस सीरीज को अपन क्या कहते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और वेट को अपन डिनोट करते हैं W से, ठीक है, W से ही क्या होती है, वेट की स्पेलिंग होती है, और W से ही अपन क्या करेंगे, उसको डिनोट भी कर देंगे। फिर अपन बात करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसको अपन कैलकुलेट करते हैं वेटेड सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय, अपन को क्या करना पड़ता है, वेटेड सम्स, यानी इस x का और w का क्या करना पड़ता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, अपन को क्या निकालना पड़ता है, एक्स w, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं डब्ल्यू एक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो निकालना होता है। फिर उन सब का क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू करना पड़ता है, और फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है अपन को सिग्मा w से। ये अपन देखते हैं, ये इधर मैंने फॉर्मूले में भी लिख रखा है, डब्ल्यू एक्स बार है यहाँ पे, है ना, मीन यानी एक्स बार, ओके। अब उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले सिग्मा एक्स डब्ल्यू निकालना, जो अपन को पता है ये अपन ने ऐसे निकाला है, एक्स का और डब्ल्यू को इंटू करके, फिर इंटू करने के बाद सबका सम किया तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू निकल गया, और डिवाइड किससे करेंगे, सिग्मा डब्ल्यू से करेंगे, ये डब्ल्यू के टोटल सम से, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन देख लेते हैं इसके स्टेप्स, जो कैसे सॉल्व होता है। स्टेप क्या है, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को सारे वेट्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर अपन सारे वेट्स को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अपने पास सिग्मा डब्ल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डब्ल्यू से, तो क्या मिल जाएगा, अपन को एक्स डब्ल्यू मिल जाएगा या डब्ल्यू एक्स मिल जाएगा। फिर स्टेप थ्री क्या है, अपन को सारे डब्ल्यू एक्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे अपन को क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू मिलेगा, ओके। फिर लास्ट स्टेप जो फोर्थ है अपना, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को वेटेड मीन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को सिग्मा एक्स डब्ल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा डब्ल्यू से, ठीक है। ऐसे अपना क्या निकल जाएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है, इसको आप ध्यान में रख लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, वेट निकालना है, वेट का सम कर लेते हैं। वेट का सम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 21, इन सब का सम कर लो, 2 + 7 = 7, 7 + 6 = 9, 9 + 6 = 15, 15 + 3 = 18, 18 + 1 = 19 or 2 = 21, ये अपना हो गया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, x और w को इंटू करना पड़ेगा, इन सबको इंटू करना पड़ेगा और इज इक्वल्स टू लगा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी वहाँ पे ऐसे टेबल में करना नहीं, ओके। लिख ले रहे हैं अपन, सबसे पहले आ जाएगा 10, फिर आएगा 40, 9 7 7 = 49, फिर 6 3 = 18, फिर 4 3 = 12, फिर 8 1 = 8 और 2 2 = 4, ये अपन ने लिख लिया। अब इनका सम कर देते हैं, ये क्या आया, सिग्मा डब्ल्यू है। अब यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा अपना 101, ओके। अब अपन लगा देते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अपन को ध्यान है क्या है, W x बार
इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये अपना क्या है, फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज पुट करो, पेन चेंज करता हूँ मैं, तो W X बार इज इक्वल्स टू सिग्मा X W की जगह अपन को क्या लिखना है, 101 लिखना है, 101 लिखा, अब अपॉन में क्या लिखना है, 21 लिखना है। ओके, इसको डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4.80 अप्रॉक्स, ये आ जाएगा अपना वेटेड मीन, क्या है 4.80 अप्रॉक्स, ये अपना वेटेड मीन निकल गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम टू सेम कैसा है, जैसे अपन फ्रीक्वेंसी के साथ मीन निकालते हैं वैसा का वैसा ही है, बस बात यहाँ पे है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह W दे रखा है, यानी वेट दे रखा है। बाकी अगर अपन को इसका ही मीन निकालना हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ x का सम करना पड़ेगा और x के ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ x डिजिट जो है उससे ही डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए इस बात को। अब अपन देखते हैं रिलेशन किस में, मीन में और वेटेड मीन में। सबसे पहले अपन बात करते हैं, तीन चीज़ें आती है इसके अंदर। सबसे पहले होती है वेटेड मीन किसके बराबर होगा, अरिथमेटिक मीन के। कब होगा ये, जब होगा जब वेट सेम होंगे, ठीक है, यानी वेट्स जो होंगे सबके सेम होंगे। फिर वेटेड अरिथमेटिक मीन ज़्यादा कब होगा अरिथमेटिक मीन से, जब जब हायर डिजिट हैव हायर वेट और वाइस वर्सा, यानी हायर डिजिट हैव हायर वेट्स और लोअर डिजिट हैव लोअर वेट्स, ये होता है। और अगर अपन बात करें वेटेड मीन कम कब होगा अरिथमेटिक मीन से, ये जब होगा जब हायर हायर डिजिट या वैल्यूज हैव लेसर वेट और लोअर डिजिट हैव हायर वेट, ठीक है, ये अपन समझ गए। यानी वेटेड मीन अरिथमेटिक मीन के बराबर कब होगा, जब वेट सारे सेम होंगे। वेटेड मीन ग्रेटर कब होगा अरिथमेटिक मीन से, जब हायर डिजिट्स के हायर वेट्स होंगे और लोअर डिजिट्स के लोअर वेट होंगे। ओके, और लास्ट जब अरिथमेटिक मीन ज़्यादा होगा किससे, वेटेड मीन से, वो कब होगा, जब हायर डिजिट के लोअर वेट और लोअर डिजिट के हायर वेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीज़ मैंने दे रखी है, देखो आप, ये है फर्स्ट वाला जिसके वेट सेम है, ये है सेकेंड कौन सा जिसके अंदर वेटेड मीन ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर हायर डिजिट हायर वेट है, और ये है थर्ड वाला जिसके अंदर हायर डिजिट हैव लोअर वेट। समझ गए, इन सारी का इन सब का अपन निकालते हैं, फॉर्मूला अपन जानते हैं, अपन को मीन भी निकालना है और वेटेड मीन भी निकालना है। सबसे पहले वेटेड मीन का फॉर्मूला देख लो, डब्ल्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये है वेटेड मीन का फॉर्मूला। और अगर मीन के फॉर्मूले की बात करें तो क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ओके, ये है अपना फॉर्मूला। दोनों को लगाते हैं अपन, फर्स्ट अपन निकालते हैं वेटेड एक्स बार, मैं इधर सामने 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 चीजों का निकालूंगा, ऐसे स्ट्रेट निकाल रहा हूं, ओके। सबसे पहले इन सबको इंटू कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहां पे, क्या आ जाएगा, मैं इस पे मैं जल्दी जल्दी से इन सबको लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 40, फिर आएगा लास्ट 10, ये आ जाएगा। सिग्मा एक्स डब्ल्यू क्या आया, सिग्मा एक्स डब्ल्यू आया अपना 145, और डब्ल्यू यानी सिग्मा डब्ल्यू क्या आया, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये है अपना 30, ओके।
वैल्यू लिख देते हैं 145 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 4.83 अप्रॉक्स। ओके, ये आ गया अपना वेटेड मीन। अब अगर अपन सेकंड निकालें, क्या है अपन को निकालना है? मीन। मीन क्या आएगा? सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स कितना है? सम ऑफ एक्स है 29। तो 29 अपॉन कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये आएगा 4.83 अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेड एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स बार है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाला जिसके अंदर वेटेड मीन ज़्यादा होगा, किससे? वेट मीन से ज़्यादा होगा। इनटू करके यहाँ पे लिख देते वैल्यूज। यहाँ पे आएगा 35, फिर आएगा 56, फिर आएगा 12, फिर आएगा 24, फिर आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 6। क्या आया? सिग्मा डब्ल्यू एक्स क्या है? सिग्मा डब्ल्यू एक्स है 213 और सिग्मा डब्ल्यू क्या है? सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा अपना 38। तो अपन निकाल देते हैं डब्ल्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू 213 अपॉन 38। ये आ जाएगा अपना 5.60 अप्रोक्स। और मीन क्या है? मीन सेम है, मीन की डिजिट अपन ने चेंज ही नहीं करी है, सेम रखी है। तो मीन क्या है अपना? मीन है अपना 4.83 अप्रोक्स। तो यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू एक्स बार इज मोर देन एक्स बार। यहाँ तक समझ गए? फिर लास्ट पे चलते हैं, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज रख देते हैं। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 30, फिर आ जाएगा 28, फिर आएगा 24, फिर आएगा 28, फिर आएगा 24 और फिर आएगा लास्ट 20। सिग्मा एक्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आ रहा है अपना 154 और सिग्मा डब्ल्यू कितना है अपना? सिग्मा डब्ल्यू है 30, सिग्मा डब्ल्यू है अपना 38। रख देते हैं डब्ल्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 38 इज इक्वल्स टू, ये आएगा अपना 4.05 अप्रोक्स। ओके, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या है? सेम है, क्योंकि अपन ने एक्स की वैल्यू चेंज नहीं करी है। तो ये क्या है? एक्स क्या है? 4.83 अप्रोक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डब्ल्यू एक्स बार इज लेस देन एक्स बार। तो यहाँ पे क्या है? अपने सारी चीज़ें प्रूव हो गई, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? मीन और वेटेड मीन दोनों बराबर होने चाहिए। सेकंड में अपन ने देखा वेटेड मीन ज़्यादा है किससे? मीन से। और थर्ड में अपन ने देखा वेटेड मीन कम है किससे? मीन से। तो होप आप वेटेड मीन पूरा समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और निकालना भी आप सीख चुके हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।